हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डील विद चैप्टर सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनिजम। सो इन रफ आइडिया, दिस चैप्टर डील्स विद द स्टोलन चाइल्डहुड और वी कैन से दैट चाइल्ड लेबर। सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू डिफरेंट चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड हियर, हाउ देयर लाइफ इज फुल ऑफ पॉवर्टी, हंगर, स्टारवेशन। सो द फर्स्ट पार्ट, लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, दिस इज द स्टेटमेंट बाई अ पुअर चाइल्ड। So he is saying, sometimes I find a rupee in the garbage. This statement shows that this boy or a girl, whoever he is a rag picker who is collecting the garbage. Why do you do this? I ask Sahib. So Sahib, here we know this is a boy. So I is Annie's Jung here. So she asks, why do you do this? Whom I encounter every morning scrounging, searching for gold in the garbage dumps of my neighborhood. So this writer Annie's Jung always every morning sees this Sahib scrounging garbage dumps near her neighborhood. Sahib left his home long ago, sat amidst the green fields of Dhaka. So जो ये साहिब है ये कहाँ से बिलोंग करता है? ढाका से बिलोंग करता है, ढाका बांग्लादेश से है ये। His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. तो प्रॉब्लम क्या थी इनकी? प्रॉब्लम ये थी कि ढाका बांग्लादेश में स्टॉर्म्स की वजह से इनके खेत और इनके घर जो थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। His mother tells him, ऐसा इसकी मदर ने इसे बताया, जो साहिब ने नरेटर को एक्सप्लेन किया। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और यही रीज़न है कि हंगर की वजह से अब इन्होंने क्या किया, अपनी जगह को चेंज कर दिया और बिग सिटीज़ में आके रैग पिकिंग का काम ये करने लगे। I have nothing else to do, he mutters looking away. Looking away, कहीं और ध्यान रखते हुए वो नरेटर को जवाब कहता है। जब वो पूछती है why do you do this, तो वो जवाब देता है I have nothing else to do. Go to school, I say glibly. Glibly very fluently, casually. अब नेचुरल सी बात है बेटा, जो इतने पुअर बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको सिर्फ ऐसे ही बातें बनाने के लिए बोल दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और कहती है बोलने के बाद इमीडिएटली मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि मैंने जो ये एडवाइस दी है ये कितनी बेतुकी, कितनी होलो एडवाइस मैंने इस बच्चे को दी। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब इसका जवाब मिलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा। If I start a school, will you come? I ask half joking. तो यहाँ पे Annie's Jung जो है वो थोड़ा सा हाफ जोक करते हुए कहती हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूँ क्या तुम आओगे? Yes, he says, smiling broadly. ये सुन के उसके फेस पे काफ़ी अच्छी स्माइल आ जाती है और कहते हैं yes, surely. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और कुछ टाइम बाद Annie's Jung तो भूल भी चुके हैं बात बोल के, ये बच्चा भागता हुआ उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school, I say embarrassed. कहता है शर्मिंदा हुई मैं और मैंने कहा कि बेटा स्कूल खोलने में बहुत टाइम लगता है। At having made a promise that was not meant, और कहता है embarrassment किस बात की थी कि मैंने इस बच्चे से ऐसा promise कर दिया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak is dark. कहते हैं लेकिन ऐसे फेक प्रोमिसज तो इन बच्चों के ब्लीक वर्ल्ड में हर कोई इनके साथ करता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कहते हैं काफ़ी महीनों तक मैं उसके इंट्रैक्शन में रही। आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। तो कंप्लीट नेम उसका क्या था? साहिब आलम। कितना रॉयल नेम ये है। ही डजंट नो व्हाट डज इट मीन, कहते हैं उसे तो अपने नाम का मतलब ही नहीं पता था। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसके कंडीशन को देखकर उसका ये नाम जिसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो अगर उसे पता चलेगा तो वो बिलीव ही नहीं कर पाएगा। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friends. वो गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है। An army of barefoot boys, यहाँ पे उसे आर्मी बताया गया है barefoot नंगे पैर boys की, who appears like the morning birds and disappear at noon, जो सुबह सुबह birds की तरह आते हैं कूड़ा इकट्ठा करने के लिए और दोपहर में गायब हो जाते हैं। Over the months I have come to recognize each of them, और कहता है एक काफ़ी महीनों में मैं उन सबको जानने पहचानने लग गई। अब यहाँ पे अगेन हमारे जो Annie's Jung है ऐसे ही ग्रुप और बॉयज से बातें कर रही है। वाई aren't you wearing चप्पल्स, आई ask वन, मैंने एक बच्चे से पूछा भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? माई मदर didn't bring them down from the shelf, ही answers सिंपली, और वो सीधा कहता है कि मेरी मदर ने तो उसे अलमारी से निकाला ही नहीं, अलमारी में रख दिया। इवन इफ शी डेड, ही विल थ्रो दैम ऑफ एट अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच।
और दूसरा बच्चा क्या बोलता है जो उसके साथ में है कि अगर इसकी मदर इसे शूज दे भी देती है तो ये उन्हें फेंक देगा। ऐसा साथ में एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसने अलग अलग शूज पहने हुए हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. और उनकी बातें सुन के तीसरा बच्चा बोलता है जिसे अभी तक कभी भी जूते नहीं मिले हैं कि मुझे भी जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. अब यहाँ पे राइटर कहती है कि कुछ इन लोगों ने ना अपना ट्रेडिशन भी बनाया हुआ है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे barefoot देखा है। जैसे इसने कहा कि मेरी मदर ने उन्हें क्या कि कबर्ड से शेल्फ से निकाला ही नहीं है, यानी कि इनका एक ट्रेडिशन भी है नंगे पाँव रहना। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। क्या अपने आप को गरीब दिखाने के लिए क्या ये इन लोगों का एक तरह से एक्सक्यूज है? I remember a story, a man from UDP. यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, ध्यान से इस पैराग्राफ को देखना। I remember a story, a man from UDP once told me, this is the name of a place. कहते मुझे अभी कहानी याद आई जहाँ पे एक आदमी ने मुझे बताया था। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. कि जब वो छोटा था, एज अ बॉय था, तो उसके फादर एक टेम्पल में प्रीस्ट थे। जब वो वहाँ से निकलता था, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और वहाँ भगवान से वो क्या प्रेयर करता, भगवान मुझे एक पेयर शूज कहीं से मिल जाए। 30 years later, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद मैं उसके गाँव और उसी मंदिर में गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ द डेसोलेशन। डेसोलेशन इन द अलग धलग वहाँ पे हो गया है अब। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पे एक नया प्रीस्ट है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, यानी कि स्टैंडर्ड जो है वहाँ का इंक्रीज हो गया है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैट। अब वहाँ पे जो एक नया प्रीस्ट है उसका बेटा आता है वहाँ पे और अपने बैग को एक फोल्डिंग बैग पे डाल देता है, और उसने पूरी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सॉक्स पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं। Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उस बच्चे की ये activities देख के, किस तरीके से उसने अपना bag फेंका and all, उसे एक बच्चे की बात और याद आ गई जिसे एक pair of shoes मिल गया था, और उसने क्या prayer की, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. और कहते हैं आप देखो टाइम कितना बदल गया, जो यंग बच्चे हैं प्रीस्ट का जो बेटा है उसकी तरह वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे कि रैग पिकर्स हैं मेरे नेबरहुड में, जो अभी भी शूलेस हैं। माई एक्वेंटेंसेस, आपको पता है जानने पहचानने वाले, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लेड मी टू द सीमापुरी। कहते अब इनसे बातचीत करते करते, इन बेयर फुट रैग पिकर्स को इनसे बात करते हुए, कनेक्टेड फील करते हुए, मैं उनके घर पे पहुंची जहां वो रहते थे, जिसका जगह का नाम है सीमापुरी। ये अपने दिल्ली के नियर बाई है, आपने शायद इसका नाम सुना भी होगा। अ प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और कहते यहाँ पे जो आ रहे हैं वो रिफ्यूजीज हैं जो 1971 में फ्लड में बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे, और अब सीमापुरी में वो क्या है, सेटल्ड है। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, एक बड़ी अजीब सी जगह है। इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर, लिविंग 10,000 रैग पिकर्स। ना वहाँ पानी है, ना सेवेज है, कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी वहाँ पे 10,000 के अराउंड रैग पिकर्स जो हैं वो बहुत अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। कहते वो यहाँ 30 years से रह रहे हैं लेकिन अभी भी उनका कोई आई कार्ड यहाँ पे नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन। और उनकी पहचान ठीक है राशन कार्ड में आ चुकी है, जिससे उनको क्या मिल जाता है, BPL फैमिलीज के थ्रू ग्रेन मिल जाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, लेकिन फूड उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमैक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स।
जब एनिस जंग वहाँ जाती है सीमापुरी में और एक लेडी से पूछती है कि भाई तुमने अपनी जगह क्यों छोड़ी, तो उसने क्या कहा कि हमारे लिए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बिना भूखे बिना खाने के ना सोएं। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांजिट होम। जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वो अपना जो टेंट है तंबू है वहीं पर लगा लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी उनके पार्टनर्स बनते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर ही हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पैकिंग, और सीमापुरी में हर कोई रैग पिकिंग का ही काम कर रहा है। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। उनके लिए जो गार्बेज है वो क्या है, गोल्ड है। क्यों? क्योंकि गार्बेज को बड़े एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। गार्बेज ही एक तरह से उन्हें फूड प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा वो प्लास्टिक की बॉटल्स या इस तरीके की चीज़ें वो इकट्ठी करेंगे उसको सेल करेंगे उतने ज़्यादा पैसे उनको मिलेंगे। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। देखो बेटा कितना आयरनिकल है, जो गार्बेज है जिसको हम वेस्ट कहते हैं, दिस इज अ मीन्स फॉर देयर डेली ब्रेड। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो लीकिंग चाहे उनकी छत टपकती हो बारिश में, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनके सर पे छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये जो गार्बेज है ये कुछ और ही है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटन अप। और वो बड़ा खुश होकर कहता है कि मुझे गार्बेज में ना कभी कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी तो मुझे 10 रुपीज भी मिल जाते हैं, और उसकी आंखें जो है वो एकदम लाइटन अप हो जाती है। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope for finding more. चाहे उनको silver coin ही उस garbage में क्यों ना मिल जाए, वो ढूंढना बंद नहीं करेंगे क्योंकि उनकी expectations और ज़्यादा रहेंगी। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. इससे पता चलता है कि parents की thinking में और बच्चों के thinking में garbage क्या है। For the children, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये एक तरह से वंडर है कि अब पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड, फेंस्ड गेट होता है बेटा जैसे हम वायर वगैरह लगा के एक बाउंड्री बना देते हैं किसी पर्टिकुलर जगह की। तो साहिब खड़ा हुआ था एक क्लब के बाहर, जहाँ वो फेंस्ड गेट के पास वो खड़ा हुआ था और क्या कर रहा था, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। अब हमारी जो राइटर है फिर वहाँ पहुँच जाती है और वो उसे कहते हैं आई लाइक द गेम, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो उन्हीं फेंस के बाद उसे बाउंड्री के बाहर खड़ा होकर देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वो बताता है कि जब कोई यहाँ नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग्स, और ये जो गेट कीपर है ये मुझे झूला झूलने की परमिशन दे देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, आज साहिब ने टेनिस शूज पहने हुए हैं, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स उसकी निक्कर और शर्ट के साथ बहुत ज़्यादा डिसकलर्ड लग रहे हैं। Someone gave them to me, किसी ने मुझे ये दिए हैं, he says in the manner of an explanation, उसे explain करते हुए बताता है कि मुझे किसी ने ये दे दिए। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, वो किसी rich boy के थे, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, तो इसे एक जूते में बेटा छेद हो गया होगा, होल हो गया होगा, तो हम नहीं पहनते हैं जनरली इस तरीके के शूज, तो वो उसने उसे दे दिए। That doesn't bother him, और कहता है ये उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें होल है या नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा बच्चा जो हमेशा ही बेयर फुट घूमता है उसके लिए एक होल वाला शूज भी ऐसा है जैसे कोई ड्रीम उसका फुलफिल हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो ये बड़े ही ध्यान से देख रहा है वो इसके आउट ऑफ रीच है, यानी कि उसे समझ में इतना नहीं आ रहा है, ना ही वो जाके वहाँ पे खेल सकता है। ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस उसे नहीं पता उस चीज़ टेनिस के बारे में। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब बेटा चेंज हुआ। अब देखो टाइम एंड अगेन एनिस जंग जो है वो साहिब से कॉन्वर्सेशन करती रहती है। अब आगे क्या हुआ बेटा, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, वो एक मिल्क बूथ यानी कि जैसे अपना वीटा प्लांट एंड ऑल होता है वहाँ पे वो जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसने स्टील का दूध का कंटेनर जो था वो पकड़ा हुआ था, और वो क्या बताता है उसे, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो पॉइंट करते हुए राइटर को बताता है कि अब मैं उस टी स्टॉल में काम करता हूँ, आई एम पेड, मुझे सैलरी मिलती है 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स,
800 रुपीज़ मुझे सैलरी मिलती है और मुझे दिन का 2-3 टाइम का खाना भी मिलता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन अराइज होगा, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, कहते मैंने उसे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके फेस से मैंने रियलाइज किया कि जितना केयर फ्री वो पहले रहता था उतना केयर फ्री वो नहीं है, अब वो थोड़ा सा टेंस्ड है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, और कहते हैं जो स्टील का कनिस्टर था ये ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भारी है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग जो वो पहले बड़ी आसानी से लेके घूमता था। ओवर हिज शोल्डर्स द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और बेटा वो बिल्कुल भी खुश नहीं था काम करने में। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अब उसे उस टी शॉप के ओनर के अंडर काम करना था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और यही रीजन है कि वो उस काम को, दो ही वॉज पेड वेरी गुड 800 रुपीज ही हैज गिवन बाय द दैट शॉप ओनर, बट ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम, अ रैग पिकर हु लिव्स इन द सीमापुरी न्यू डेली। सेकेंड पार्ट इज अबाउट अनदर child that we will discuss in our next part. So this is the Saib Alam's story, just go through the chapter, the lost spring and this part 1.